all are fine. Welcome to the class of kindergarten. I am your teacher Khadija Nazir. This is your copy of Urdu. आज हम उर्दू की कॉपी का काम करेंगे, ठीक है? सबसे पहले हम पेज निकालेंगे, वो जिसका हमने काम करना है, ठीक है? अब आप साथ साथ देखते जाएं, आपने कौन से पेजेस कर लिए हैं. पेज नंबर 1 हम कर चुके हैं, पेज नंबर 2 भी कर चुके हैं हम, पेज नंबर थ्री भी हमने कर लिया है, पेज नंबर 4 भी कर लिया है. नाउ इट्स टाइम टू राइट पेज नंबर 5. दिस इज पेज नंबर 5 एंड दिस इज पेज नंबर 6, ठीक है? ये 6 लिखा हुआ है. हमने पेज नंबर 5 करना और पेज नंबर 6. सबसे पहले हमने क्या करना है, राइट डाउन डेट हेयर. राइट डाउन डेट हेयर 20 जुलाई 2020, ठीक है? इसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने पढ़ना है. क्या करना है, पढ़ना है. ये क्या लिखा है, बे बे. पीछे हमने क्या पढ़ा था, अलिफ. पीछे हमने क्या पढ़ा था, अलिफ. अब हम क्या पढ़ रहे हैं, बे. बे से बत्तख. ये क्या है, बत्तख. बे से बकरा. बे से बंदर. बे से बत्तख. बे से बकरा. बे से बंदर. सबसे पहले ये जो बड़ा बे आपको नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का, इसे हमने क्या करना, ट्रेस. अब हम इसे करेंगे ट्रेस. ऊपर जो है नंबरिंग भी लिखी हुई है, ठीक है? आप और से देखेंगे, नंबरिंग लिखी हुई है, 1, 2 नंबरिंग लिखी हुई है. 1 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से टर्न करेंगे, मोड़ कर लाएंगे इसे बिल्कुल स्ट्रेट, ऐसे सीधा, ठीक है? फिर टर्न करेंगे, ऊपर ले जाएंगे और यहाँ पर भी नंबर लिखा हुआ है 2, ठीक है? नंबर्स को देख के करना है. उसके बाद नीचे डॉट है, डॉट को हम ऐसे कर देंगे डार्क, ठीक है? यहाँ पर मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, पेन. आपने क्या यूज़ करनी है, पेंसिल, ठीक है? अब हमने क्या करना है, ठीक है? हमने ट्रेसिंग तो कर दी, अब हमने कलरिंग करनी है. किस पिक्चर पर कलरिंग करनी है, ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, बे से बत्तख, बत्तख पे कलर करना है. बे से बंदर, बंदर पर कलर करना है. बे से बकरा, बकरा, ठीक है, बकरे पर कलर करना है. अब हम अपने कलर स्टार्ट करेंगे. आपको पता है डक पे कौन सा कलर होता है, येलो. कौन सा कलर होता है, येलो. येलो निकाला. इसकी आई पर कौन सा कलर होगा, हम ब्लू करेंगे, ठीक है? इसके बाद इसकी बीक चोंच पर ऑरेंज कलर करेंगे, ठीक है? मैंने तीनों कलर्स निकाल के रख लिए. सबसे पहले हम करेंगे येलो कलर. डक पर हम कर रहे हैं येलो कलर. ऐसे हमने येलो कलर किया डक पर, ठीक है? ध्यान रखना है आप लोगों ने कि कलर येलो कलर किया है हमने डक पर, और कोई भी वाइट स्पॉट या कोई भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए. जगह खाली रहती है तो इसका मतलब होता है कि हमने अपनी कलरिंग जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं की है, ठीक है? सबसे ज़रूरी है, अगर हम कलर कर रहे हैं तो उसमें ज़रूरी ये होता है कि कोई भी वाइट जगह खाली ना रहे, ठीक है? हमने येलो कलर डक पर कर दिया है. अब इसकी आई पर हम करेंगे ऐसे साइड पर छोटा सा जो ओवल शेप बना है, इस पर हमने किया लाइट ब्लू. यही लाइट ब्लू हम नीचे वाटर पर कर देंगे, जो ये वाटर भी ये ओवल शेप का बना हुआ है, इस पर हम कलर कर देंगे लाइट ब्लू. कौन सा कलर किया है हमने, लाइट ब्लू, ठीक है? यहाँ पर हमने लाइट ब्लू कलर यूज़ किया है. सही से इसे कलर करेंगे. अगर कोई भी कलर बाहर निकलता है, उसे ऐसे पिक्चर से बाहर निकल रहा है, उसे ऐसे मन नहीं छोड़ना है, ठीक है? उसे इरेज करना है. क्या करना है, इरेज, ठीक है? इरेज करना है. हमने ब्लू कलर कर लिया है. इसके बाद हम इसकी बीक पर, इसकी चोंच पर हम करेंगे ऑरेंज कलर. डक की, बत्तख की चोंच पर करेंगे ऑरेंज कलर. इसके बाद यहाँ पर है बकरा, बकरे पर हम करेंगे ब्राउन कलर. इसके सींग पर, ये सींग नज़र आ रहे हैं, इसके सींग पर हम करेंगे ब्लैक कलर.
ठीक है। और बाकी पूरे बकरे पे हम कौन सा कलर करेंगे, लाइट ब्राउन, मतलब ब्राउन यूज़ करना है लेकिन लाइट, ठीक है, लाइट लाइट ही करना है। और इसके नीचे जो ये इसकी टांगों पर ही नज़र आ रहा है, ये दो छोटे छोटे बने हुए हैं, इन पर भी ब्लैक कलर करना है, बाकी लाइट ब्राउन कलर करना है। कौन सा कलर करना है, लाइट ब्राउन। और इसे रखना भी लाइट लाइट यूज़, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से यूज़ करना है, लाइट लाइट, ठीक है। इसकी आइज़ पर कलर मत कीजिएगा, आइज़ ब्लैंक होती हैं, ठीक है, वाइट, ठीक है। इस पर कलर करना है लाइट ब्राउन। कौन सा कलर करना है, लाइट ब्राउन, ठीक है। इधर हमने लाइट ब्राउन कलर किया, सही, लाइट लाइट, मतलब बिल्कुल हल्का हल्का करना है इसको, बिल्कुल डार्क करेंगे तो बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। लाइट ब्राउन कलर हमने यूज़ करना है इसमें, ऐसे इसकी टेल पर छोटी सी टेल बनी हुई है, इस पर कलर करना है लाइट ब्राउन, बाकी बकरे के अंदर भी लाइट ब्राउन। अब इसकी लेग्स पर हम करेंगे, ये फर्स्ट लेग पर हमने किया लाइट ब्राउन, ये सेकेंड लेग पर, फिर इस थर्ड लेग पर, फिर इस फोर्थ, ठीक है। ऐसे हमने लाइट ब्राउन कलर इस पर कर दिया। अब ये बंदर है, ठीक है, बे से बंदर, इस पर भी हम कौन सा कलर करेंगे, ब्राउन। इसके कलर ध्यान से करने, ठीक है। इसका जो ये फेस पार्ट है, ये बीच वाला, इस पर कलर नहीं करना, इस पर थोड़े से जो हमने बकरे पे कलर किए ना लाइट लाइट ब्राउन, उससे थोड़ा सा डार्क डार्क करना है, ठीक है, ताकि थोड़ा फ़र्क पता चले कि इस पर थोड़ा कलर चेंज है, सही। इसके हैंड्स पे मत कीजिएगा। इसकी टंग पर हम अभी रेड कलर करेंगे, पहले हम अपना ब्राउन कलर कर रहे हैं कंप्लीट, ठीक है। इसके हैंड के इस पे, इस हिस्से पर नहीं करेंगे, ठीक है, इसके हैंड पर नहीं करेंगे। और इसके जो जो बैली बना हुआ है, इसका पेट, इसका सर्कल ओवल शेप बना हुआ है, ओवल शेप है, ठीक है, इस पर भी नहीं करेंगे। इसकी लेग वो भी हम ऐसे, ये इसके फुट को वाइट ही छोड़ देंगे, इसके लेग्स पर ब्राउन करेंगे, ऐसे कलर करेंगे, ठीक है, ये ब्राउन कलर कर दिया। अब इसकी टेल पर हम करेंगे ब्राउन कलर, सही। अब इसकी टंग पर कौन सा कलर करेंगे, रेड। ये देखो जबान नज़र आ रही है ना इसकी, इस पर हम करेंगे रेड कलर। इस तरह से हमने करना है मौसी पर कलर, बंदर पर कलर, ठीक है। अब हम एक दफ़ा इसे पढ़ेंगे, फिर हम इसे, ये वाला जो अगला पेज है हम इसे लिखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। बे से बत्तख, बे से बकरा, बे से बंदर, ठीक है। ये पेज नंबर 5 हमने कर लिया। अब हम करेंगे पेज नंबर 6। कौन सा करेंगे, पेज नंबर 6। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे डेट, क्या डेट लिखी थी पहले हमने, 20, यहाँ पर भी 20 लिखेंगे, ठीक है, 20 जुलाई 2020। अब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बे लिखा हुआ है, उसके बाद ट्रेसिंग दी हुई है, उसके बाद डॉट्स डाले हुए हैं, ठीक है, आपको देख देख के करना है। सबसे पहले बे की करनी है ट्रेसिंग, और नीचे डॉट को ऐसे डार्क कर देना है। बे साथ साथ पढ़ना भी है, ताकि आपको पढ़ना भी आए, ठीक है ना, आपको पता चले कि ये क्या लिखा हुआ है। बे बे बे, इसके बाद दो डॉट दिए हैं, देखें, एक डॉट यहाँ, एक डॉट यहाँ। अब इस डॉट को थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके इस लाइन तक लाना है, नज़र आया, ठीक है। अब इसके बाद इसी लाइन को सीधा लेकर जाना है, ठीक है, लेके गए, फिर जहाँ डॉट है वहाँ से मोड़ना है, वहाँ पर मोड़ कर छोड़ देना है, ठीक है, फिर एक नुक्ता लगाना है, नुक्ता, ठीक है। ये क्या बन गया, बे। इसी तरीके से दूसरे पे भी बनाएंगे, थोड़ा टेढ़ा करके नीचे इस लाइन पर लेकर आएंगे, देखें लाइन पर लाके मैंने छोड़ा, फिर मैंने यहाँ से इसको स्ट्रेट किया, फिर जो डॉट है वहाँ पर ऊपर इसको टर्न करके थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा टर्न करना है, फिर टर्न करके ऊपर डॉट की तरफ लेके गई, डॉट पर जाकर मैंने इसे छोड़ दिया, ठीक है, बे बन गई, बे की शेप जो है वो बन गई, फिर मैंने नीचे डॉट डाल दी। इसी तरीके से हम साथ साथ लिखते जाएंगे और साथ साथ पढ़ते जाएंगे, मेरे साथ भी पढ़ना है आपने, ठीक है। बे 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 बे, एक दफ़ा फिर रिपीट करूँगी, कैसे करना है, इस डॉट डॉट से इस लाइन तक थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा करके लेकर आना है, देखें अब नज़र आ रहा है, मैंने छोड़ दिया, फिर ये जो लाइन है
इस लाइन से थोड़ा सा आगे स्ट्रेट लेके जाना है ऐसे, फिर जो डॉट नज़र आ रहा है ऊपर की तरफ इस डॉट से मैच करना, लेकिन थोड़ा सा ऐसे कर्व करके, ठीक है। ये बे की शेप बन गई और डॉट डाल गया नीचे नुक्ता, ठीक है। बे और बे किस पर लिखना है, लाइन पर। देखें अब मैंने जो बे लिखा है वो लाइन के नीचे या लाइन के ऊपर जा रहा है, नहीं ना, बिल्कुल लाइन पर टच हो रहा है। आपने जो बे लिखना है वो भी लाइन पर टच होना चाहिए, ठीक है। अब साथ साथ पढ़ते भी जाना है, बे बे के नीचे एक नुक्ता, 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 ठीक है। अब हमने कर लिया ये वाला काम, ये वाला पेज भी कर लिया और ये कलरिंग वाला पेज भी कर लिया, ठीक है। अब आपने एक दफ़ा फिर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। आपने घर में इसकी प्रैक्टिस भी करनी है और इसे रीड भी करना है, ठीक है। ये क्या चीज़ें बनी हुई हैं, क्या पिक्चर हैं, इन्हें रीड भी करना है। अब एक दफ़ा मेरे साथ रीड करेंगे, बे बे के नीचे एक नुक्ता, बे से बत्तख, बे से बकरा, बे से बंदर, ठीक है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।